गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कॉपी और पेन साथ में ले लें और साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, और फिर भी कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसका समाधान आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस एज हार्ड एंड सॉफ्ट। हिंदी में देख लीजिए, अम्ल व क्षार का कठोरता व मृदुता के रूप में वर्गीकरण, यहां पर हार्डनेस और सॉफ्टनेस लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने पहले पढ़ा एलन, चैट और डेविस ने अम्लों व क्षारों अर्थात लिगेनों को दो समूह में वर्गीकृत किया, समूह ए और समूह बी। तो 1963 में पियर्सन नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने एलन और चैट डेविस के द्वारा दिए गए समूह को क्या किया, कठोरता और मृदुता के आधार पर वर्गीकृत किया। अर्थात समूह ए थे उनको कठोर नाम दिया और समूह बी के जो लिगेंड थे और धातु आयन उनको मृदु नाम दिया। तो अम्ल होंगे उन्हें हम कहेंगे ए वाले को कठोर अम्ल, और लिगेंड होंगे उन्हें हम कहेंगे कठोर क्षार। इसी प्रकार से बी समूह के जो अम्ल होंगे उन्हें कहेंगे हम मृदु अम्ल, और जो लिगेंड होंगे उन्हें कहेंगे हम मृदु क्षार। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? पियर्सन ने 1963 में एलन, चैट व डेविस के द्वारा धातु व लिगेनों के, लिखते चलना साथ ही साथ, के दो समूह को कठोरता व मृदुता के रूप में वर्गीकृत किया। फिर एरो लगा के लिखना, इनके अनुसार, एरो लगा के लिखना, इनके अनुसार कठोर कठोर व मृदु मृदु अंतर क्रिया स्थायी अंतर क्रिया होती है। तथा प्राप्त संकुल अधिक स्थायी होता है। प्राप्त संकुल अधिक स्थायी होता है। अब देखिए, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया, इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक मैथिल मरकरी धनायन प्ररूपी मृदु अम्ल लिया। ये क्या है? मृदु अम्ल। ठीक है, इसमें एक बी क्या है, एक क्षार है जिसका हमें अभी तक पता नहीं है कि ये मृदु है या कठोर है, और एक है एच प्लस जो कि क्या है, कठोर अम्ल।
ठीक है। अब यहां पर ये अभिक्रिया होती है, इनके मध्य अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, CH3HgB+ और प्लस में H+, ठीक है। यहां पर यह क्या है, मृदु, और यह भी क्या होगा, मृदु, और यह क्या है, कठोर, ठीक है। या आप इसको अभी थोड़ी देर ना लिखें तो और भी बेटर रहेगा। अब यदि इस अभिक्रिया का साम्य कहां जाता है, दाईं ओर, इस अभिक्रिया का साम्य अग्र दिशा में बढ़ता है, तो अग्र दिशा में तभी बढ़ेगा जब इसका स्थायित्व क्या होगा, अधिक। जब भी उत्पाद का स्थायित्व क्रियाकारक से अधिक होता है तभी उत्पाद बनता है, और जब उत्पाद बनेगा तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में। और उत्पाद कब बनेगा, जब इसका स्थायित्व होगा, और स्थायित्व कब होगा पीएसएम के अनुसार, जब कठोर कठोर या मृदु मृदु अंतरक्रिया होगी, कठोर कठोर या मृदु मृदु अंतरक्रिया होगी। तो यह अभिक्रिया का समय यदि अग्र दिशा में जाता है, तो अग्र दिशा में जाएगा तो क्या होगा, CH3HgB+ और प्लस में H+, और यहां पर BH+ प्लस में CH3HG+, अर्थात यह मृदु अम्ल है, इसके साथ में यह अभिक्रिया कर रहा है, अंतर क्रिया कर रहा है, इसका मतलब है यह भी क्या है, मृदु क्षार, यह भी क्या होगा, मृदु क्षार, यह मृदु अम्ल है तो यह क्या होगा, मृदु क्षार, ठीक है। तो यहां हमें मालूम चला कि यह क्या था, कठोर, और यह है मृदु, तो कठोर मृदु अंतर क्रिया है, स्थायी होती है, यह है मृदु, और यहां पर क्या हो गया, मृदु मृदु, ठीक है, और ये क्या है, कठोर। तो यहां इसमें लिखेंगे, यदि यदि अभिक्रिया का साम्य अग्र दिशा में बढ़ता है तो बी एक मृदु क्षार होगा, बी एक मृदु क्षार होगा। फिर एरो लगा के लिखना, यदि अभिक्रिया का साम्य, यदि अभिक्रिया का साम्य पश्च दिशा में, बैकवर्ड डायरेक्शन, पश्च दिशा में जाता है तो बी एक कठोर क्षार होगा, बी एक कठोर क्षार होगा। देखिए यहां पर यह टूटता है किस रूप में, इसमें और इसमें, इसका मतलब है यह तो क्या है, मृदु, क्या है, यह मृदु अम्ल है, और यह क्या हुआ फिर, अब मृदु नहीं होगा, अब क्या हो गए, कठोर। यदि यह मृदु होता तो इसके साथ में क्या होता, स्टेबल, तो टूटेगा ही नहीं, जबकि ये अभिक्रिया का साम्य यदि किस ओर आ रहा है, देखिए CH3HgB+ + H+, ये दोनों मिलेंगे क्योंकि ये क्या है, कठोर, और ये इसके साथ में यदि मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कठोर, तो कठोर कठोर अंतर क्रिया होगी तो बनेगा क्या, BH+ और प्लस में क्या बन जाएगा, CH3
एच जी प्लस, इसका मतलब यहां पर यह क्या हो जाएगा भाई, कठोर कठोर अंतरक्रिया से बना यौगिक। और ये तो क्या है, हमें पहले से मालूम है क्या है, मृदु अम्ल, ठीक है। और यहां पर अब क्या हो जाएंगे, मृदु कठोर, और ये क्या है, कठोर, ठीक है। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या? अब यहां पर मैथिल मरकरी धनायन लिया जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन के समान क्या होता है, एक संयोजी होता है, क्या है, एक संयोजी, जिसके कारण अभिक्रिया के साम्य को हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह क्या है, प्ररूपी मृदु अम्ल, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब देखिए पियर्सन ने यहां पर एक हेडिंग डाल के लिख लें इसी में, क्लासिफिकेशन चल रहा है उसमें किसकी थ्योरी है ये, पियर्सन्स एसिड बेस एंड सॉफ्ट हार्ड, या हार्ड सॉफ्ट लिख दो, सॉफ्ट प्रिंसिपल या हम इसे बोलते हैं एच एस ए बी प्रिंसिपल, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर देना और इसके 2021 लगा देना, ठीक है। इसमें देखो कब, 1963, कब, 1963, पियर्सन ने क्या किया कि जो आयलैंड चैट और डेविस के द्वारा, आयलैंड चैट और डेविस के द्वारा समूह ए, ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाए गए थे, उनको इन्होंने क्या दिया, कठोर, आप अपनी लैंग्वेज में बाद में लिख लेना, समझ लो आप। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको लैंग्वेज भी लिखवाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, वैसे तो मैं समझा रहा हूं उसको आप लिख सकते हैं। इसको किस में, इसको समूह ए को किस नाम से जाना, किस नाम से बताया, कठोर, और समूह बी को मृदु। अब यदि क्या थे, अम्ल थे, अम्ल थे तो वो क्या होंगे, अम्ल थे तो वो क्या हो जाएंगे, कठोर अम्ल, और यदि क्या थे वो, क्षार, तो क्या हो जाएंगे, कठोर क्षार। अब यदि इसी प्रकार से अम्ल थे तो क्या हो जाएंगे, मृदु अम्ल, और यदि क्षार थे, क्षार का मतलब लिगेंड, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, डोनेशन करते हैं, त्याग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार। तो लिगेंड किसकी भांति व्यवहार करते हैं, जे बेस, यदि वो क्या थे, क्षार, तो वो क्या कहलाएंगे हम यहां पर, मृदु क्षार। बस इतना से किया था। और इनके मध्य में जो होंगे, इनके जो मध्य में होंगे, इन्हें क्या कहते हैं हम, सीमा रेखा वाले, सीमा रेखा वाले अम्ल व क्षार, ठीक है, अम्ल व क्षार। अब उनकी भी चर्चा करते हैं, ए में कौन से रखे थे, देखो ए समूह में कौन से थे, गुण क्या क्या थे याद है ना,
और बी में गुण क्या क्या थे वो भी याद है, यदि याद नहीं हो तो आप याद कर लें, उसको मैंने आपको लिखवा दिया था। यहां पर मैं केवल क्या लिखूंगा उदाहरण। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड की, किसकी बात करते हैं एसिड की, एक यहां लिख देना हार्ड एसिड। फिर आ जाएगा बॉर्डर लाइन एसिड और यहां आ जाएगा सॉफ्ट एसिड। क्या आ जाएगा सॉफ्ट एसिड। ठीक है, पहले मैं बोल देता हूं आप उसको रिकॉल कर लेना। इनका एसिड है तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, तो आकार छोटा होता है, क्या होता है आकार इनका छोटा होता है, ध्रुवण क्षमता उच्च होती है, ध्रुवित होने की प्रवृत्ति कम होती है, आवेश घनत्व का मान अधिक होगा, आवेश घनत्व का मान क्या होगा अधिक होगा, हल्के संक्रमण तत्व होंगे जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं, इनके डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, ये इसके क्या है गुण। उदाहरण देखिए हाइड्रोजन लिथियम ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लिख दो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनसियम और बेरियम। फिर है स्कैंडियम, नंबर से याद कर लें आप थोड़ा ठीक रहेगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम प्लस थ्री प्लस सिक्स मैग्नीज प्लस टू और प्लस सेवन कोबाल्ट। ठीक है, उसके बाद में लैंथेनम लुटेशियम थोरियम काफी है एग्जांपल, तो आप थोरियम सीओ टू और प्लूटोनियम। ठीक है, जो भी आपको याद आते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, टंगस्टन हुआ। ठीक है, एक्सेट्रा लगा देना। अब बात करते हैं हम बोर्डरलाइन एसिड की, किसकी बात करते हैं बोर्डरलाइन एसिड की। अब इसमें कौन कौन से आएंगे इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम। एफ ई टू प्लस, यहां आएगा एफ ई थ्री प्लस, कहां गया नहीं लिखा, नहीं लिखा कि उसको वो भी आएगा एफ ई, यहां पर आएगा एफ ई थ्री प्लस। ठीक है, लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो लिख देना इसको। फिर है कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक रूथीनियम रोडियम ऑस्मियम और यहां पर लिख सकते हैं आप बी सी एस थ्री का होल थर्ड, बी सी एस थ्री का होल थर्ड।
एक्सेट्रा कर देना, और यहां आप लिखना चाहें तो बी का, बी से आप यहां पर वो लिख सकते हैं क्या क्या, बी एफ थ्री, बी सी एल थ्री, ए एल प्लस थ्री, ए एल सी एल थ्री, ए एल एस थ्री, ए एल सी एस थ्री का होल थर्ड, ठीक है। और भी आपको याद आए वो लिख देना आप इसमें। फिर बात करते हैं हम सॉफ्ट एसिड की। अब सॉफ्ट एसिड में कौन कौन से होंगे, एक तो है अपने महंगी महंगी धातु, महंगी महंगी धातु एजी प्लस, सी यू प्लस, ए यू प्लस, ठीक है, और आ जाएगा सी डी प्लस टू, फिर है पी टी प्लस टू, पी टी प्लस फोर, बी सी बी एच थ्री, जी ए सी एस थ्री का होल ट्राइस, और आपको याद आए वो और आप यहां पर लिख देना, ठीक है। और वो अभी क्या था, अभी अभी एक पढ़ा उसको भी लिख दो आप, क्या था, मर्करी, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, मैथिल मर्करी धनायन एक्सेट्रा, जो याद आए उसमें लिख देना। इसमें जैसे मैथिल टिन आ जाएगा, जैसे कौन सा था एस एन प्लस फोर, जो याद है आपको कम से कम इतना तो हो कि 10-15 इसके याद हो, ताकि एक टेबल बन सके। और इम्पोर्टेंट मेन मेन जो है इसकी एप्लीकेशन में जो काम आएंगे वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर स्टेनिक, एक है मैथिल टिन, एक हो जाएगा डाइमेथिल, ठीक है, जो भी आ रहा है आप लिख देना। ये तो क्या था इसका एसिड का क्लासिफिकेशन, क्या था एसिड का क्लासिफिकेशन, उसमें प्लस वाले जितने भी हैलोजन है वो प्लस वाले आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएंगे, मेटल जिसका ऑक्सीकरण अंक क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, बहुत कम है और क्या है, भारी है, हटा दूं। अब इसको वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लेना इसको। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता दें। हार्ड बेस, बॉर्डरलाइन बेस और सॉफ्ट बेस। अब देखिए बेस का मतलब लोन पे इलेक्ट्रॉन देते हैं, हार्ड तो यहां पर NH3 अमोनिया, RNH2 एल्केलाइन, N2H4 हाइड्रोजन। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन वाले हैं ना, जो ऑक्सीजन वाले हैं जैसे H2 हो गया, फिर है RO नेगेटिव हो गया, ROH हो गया, ROR हो गया, ये क्या होंगे हार्ड बेस। फिर जैसे आ गया एसीटेट, यहां भी दाता परमाणु कौन है ऑक्सीजन। फिर आ गया जैसे सल्फेट, फिर आ गया फोस्फेट,
नाइट्रेट, परक्लोरेट, थोड़ा एक एक दूसरे से कोरिलेट करके याद करेंगे तो ठीक रहेगा। ये एसिड के क्या है, संयुग्मी चार, ठीक है। फिर बात करें हम फ्लोराइड, और भी आपको जो याद हो उसको आप यहां पर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ओके। फिर यहां पर बात करते हैं हम C6H5NH2 एनिली, C5H5N पाइरिडिक, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें NO2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव। फिर बात करें हम हैलोजन की, तो हैलोजन में कौन सा जाएगा, Br नेगेटिव, और आपको याद हो वो आप मेंशन कर देना, ठीक है। फिर बात करते हैं हम सॉफ्ट बेस की, तो सॉफ्ट बेस में कौन कौन से आएंगे, H नेगेटिव हाइड्राइड आयन, कार्बन आयन, आयोडाइड आयन, साइनाइड, थायोसाइनेट, एल्केन साइनाइड, एल्केन आइसो साइनाइड, और C6H6 बेंजीन, C6H6 बेंजीन। फिर बात करें हम एथीन, ट्राइएल्किल फॉस्फीन, ट्राइएल्किल आर्सीन, ठीक है। और भी जो आपको याद आते हैं वो आप यहां पर लिख देना। ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपको यह टेबल याद हो जाती है तो इसकी एप्लीकेशन आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, इसीलिए मैंने यहां पर 2021 लिखवाया है। और ये गारंटी है, पिछले 10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर ये है कि यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। फिर भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस समस्या से अवगत करा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि किसी जरूरतमंद को यदि आपकी सहायता मिल जाती है और वो कुछ अच्छा कर लेगा अपने जीवन में, तो उसकी दुआ आप तक जरूर पहुंचती है। कहते हैं जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है, तो आप इस बात को हमेशा याद रखें कि अधिक से अधिक व्यक्तियों की सहायता करनी है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।